हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद शोभिक में। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है, एसएससी जीडी कांस्टेबल के रिजल्ट आ चुका है था। बहुत सारे स्टूडेंट जो है आपका रिजल्ट देख के आप लोग जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है उसके लिए प्रिपेयर कर रहे, तो दोस्तों उसके बारे में इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताऊँगा नेक्स्ट एग्ज़ाम क्या होने वाला है और किस तरह से जो है आप लोग वहाँ पर आपका जो प्रिपेयर है और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो दोस्तों देखते रहिए इस वीडियो को पूरा, इस वीडियो के अंदर सारे डिटेल्स आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है, एसएससी जीडी कांस्टेबल के रिजल्ट जो है रिसेंटली पब्लिश कर दिया गया था, जहां पे बहुत सारे स्टूडेंट जो क्वालिफाई कर चुके उन सारे स्टूडेंट को बताया जा रहा है कि आप लोग पीईटी और पीएसटी के लिए आप लोग तैयार कीजिए, जिसको फिजिकल एफिशिएंसी स्टैंडर्ड टेस्ट कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर जिसको आप लोगों को बताऊँगा फिजिकली जो पीईटी एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत सारे जो है डिटेल्स यहाँ पे जानना होगा। तो दोस्तों क्या है डिटेल्स इस वीडियो के अंदर, उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। जहाँ पे देख सकते बता गया है कि बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन एसएससी जीडी कांस्टेबल 2019 कंप्यूटर बेस्ड कैंडिडेट हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर पीईटी पीएसटी बाय एसएससी। नाउ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट विल बी कंडक्ट एट वेरियस सेंटर फाइनलाइज बाय द CAPFS SSC conduct of the online exam recruitment to the post of constable general duty is Border Security Force, Central Industrial Security and Central Reserve Police Force, Indo-Tibetan Border Force, Sashastra Sima Bal National Investigation Agency and Secretariat Secretary for the and Rifleman in Japan Assam Rifle Recruitment। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग जैसे कि देख सकते और जो एसएससी जीडी के अंदर जो जो डिवाइडेड है यहाँ पे बताया गया है कौन कौन सी यह डिवाइडेड कर दिया गया है। अभी बात कर लेते हैं कि पीएटी के लिए आपको क्या का करना होगा। तो दोस्तों पीएटी के लिए फॉर मेल कैंडिडेट के लिए फास्ट में बता देता हूँ। तो दोस्तों रेस्ट के लिए आपको फास्ट जो है मेल कैंडिडेट के रेस्ट जो है यहाँ पर दिया हुआ है। रन के लिए रेसिंग के लिए यहाँ पे आपको 1 माइल इन 6.5 मिनट में जाना होगा। एंड जहाँ पे आपको बताया गया है 5 किमी इन 24 मिनट फॉर द फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट द लद्दाख रीजियन जो है 1 माइल इन 6.5 मिनट। एंड जहाँ पे 1.6 किमी इन 8 फॉर फीमेल कैंडिडेट एंड हाफ मिनट। एंड इसके साथ साथ यहाँ पे दिया 80 मीटर इन 44 मिनट फॉर द लद्दाख रीजियन। अभी बात कर लेते हैं कि और क्या क्या डिटेल्स है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बता दिया कि कौन सी जो है यहाँ फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए आपको एप्लीकेशन जो कि करना होगा। अभी आप लोग जैसे कि देख सकते आपका जो हाइट रहेगा मेल कैंडिडेट के लिए 170, फीमेल कैंडिडेट के लिए 157। जहाँ पे एज रिलेक्शन के लिए आपको यहाँ पे 162.5 आप लोगों को मिल जाएगा शेड्यूल टाइप अगर है तो आप फॉर मेल कैंडिडेट। एंड जो फीमेल कैंडिडेट है उसके लिए 150। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के हर एक डिटेल्स जो यहाँ पे दिया हुआ है। अभी बात कर लेते हैं चेस्ट के लिए मेल कैंडिडेट के लिए 80.5 एंड शेड्यूल टाइप के लिए 70/5 जो आपको यहाँ पे देना होगा। अगर आप गोरखास एंड डोरगास जो कि हिमालयन स्टेट से बिलोंग करते हैं उनके लिए 78/5 आपको होना चाहिए। तो दोस्तों आप लोग देख ही लिया कि कौन सी जो है यहाँ पे दिया हुआ है कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए आपको क्या क्या करना होगा। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आया लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड।